डेवलपमेंट स्टडी किया था और साथ ही इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ हद तक हमने स्टडी किया था, इसकी क्लीवेज के बारे में मेनली वी स्टडीड अबाउट। मैं थोड़ा सा ये आपको क्विकली रिवाइज करा देती हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, और जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो ग्राफियन फॉलिकल का बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा और एंडोमेट्रियम की थिकनेस, यूट्राइन वॉल के इनर मोस्ट लेयर, यूट्राइन वॉल की लेयर्स थी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो हर मंथ नहीं बनती है, तो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल का बाकी बचा हुआ हिस्सा कॉर्पस ल्यूटियम बन गया आफ्टर रिलीजिंग सेकेंडरी ओसाइट। तो सेकेंडरी ओसाइट जैसे यहाँ पे पहुंचता है, या जनरली टर्म यूज की गई है ओवम, जब यहाँ पे पहुंचता है वैसे वो इस टाइम पे सेकेंडरी ओसाइट की स्टेज पे होता है। तो स्पर्म शुड रीच इट एट द सेम टाइम, तभी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। अगर ये आगे पीछे हो गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, दोनों एक ही टाइम पे एम्पुला में पहुंचेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, तो ही प्रेगनेंसी होगी। दैट इज द रीजन ऑल द कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसीज। उसके बाद इसी फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जाता हुआ ये जो सिंगल सेल स्टेज है, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, पहले जैसे यहाँ पे इसका एक पोलर बॉडी थी तो दूसरी बार में डिवीजन हो गई, तो अब ये ओवम बन जाता है। ओवम बनने के तुरंत बाद जब इसके स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ इसके न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाती है तो ये जायगोट बन जाता है। तो जायगोट कहाँ पे बनता है? एम्पुला के अंदर। फिर जायगोट बनते बनते ये आगे जाना शुरू कर देता है अलोंग द फेलोपियन ट्यूब, और नियरली 30 आवर्स बाद इसकी पहली क्लीवेज हो जाती है जहां पे दो ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे बाद नियरली ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं दे आर फोर इन नंबर, फोर सेल स्टेज, यानी इनमें एक बार और डिवीजन हो गई है। तो अगर ये डिवीजन इस तरफ से हुई थी तो ये उसके परपेंडिकुलर डिवीजन हो जाते हैं, तो चार सेल बन जाते हैं। उसके बाद चार के बाद आठ सेल, फिर 16, और ये जो 8 और 16 सेल है मलबेरी जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसे मोरूला बोलते हैं। पहले क्या है, इसके डॉटर सेल सारे ब्लास्टोमियर्स हैं, जब इसके अंदर 8 या 16 ब्लास्टोमियर हो जाते हैं तब हम इस स्टेज को मोरूला बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सभी स्टेजेस में आप देख सकते हो कि जोना पेल्सिडा इंटैक्ट है, कोरोना रेडिएटा खत्म हो जाती है, और मोरूला के तुरंत बाद यहाँ पे मोरूला 8 और 16 सेल स्टेज होती है जहां से ये यूट्रस में एंटर कर जाता है। उसके बाद यही वाली स्टेज ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें कि जोना पेलिसिडा भी रिट्रैक्ट हो जाती है, और ये जो एक आउटर सेल का गुच्छा होता है, बाकी सेल्स अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो बाहर वाली लेयर ऑफ सेल्स होती है इसे हम ट्रोफोब्लास्ट कह देते हैं, और अंदर वाले सेल्स इनको हम इनर सेल मास कह देते हैं। इनर सेल मास यानी अंदर वाले सेल्स का गुच्छा। ये ट्रोफोब्लास्ट इसको अटैचमेंट में हेल्प करेगा और इनर सेल मास सभी ऑर्गन्स को बनाएगा। जिस तरफ से इनर सेल मास होता है वही पार्ट प्लेसेंटा की तरफ अटैच होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर अटैच होता है। जैसे ही एंडोमेट्रियम में ये अटैच होता है ट्रोफोब्लास्ट से ये कोरियोनिक विलाय आने शुरू हो जाते हैं, और दोनों का इंटरडिजिटेट होकर दोनों आपस में मैटरनल टिश्यू और इसके कोरियोनिक विलाय इंटरडिजिटेट होकर के प्लेसेंटा बना देते हैं, जिससे कि सारा नरिशमेंट और सारा जो नरिशमेंट, ऑक्सीजन एक्सचेंज, वेस्ट, वो सब एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यूट्रस के टिश्यूज इसके आसपास, एंडोमेट्रियम जो है वो इसके आसपास मल्टीप्लाई करके इसको अपने अंदर, ये जो होता है वो एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाता है एक तरीके से, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन किस चीज की होती है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे ये इम्प्लांट हो जाती है, इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट क्योंकि इसके अंदर ये कैविटी
फील्ड ऑफ फ्लूइड है और इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, तो इसके बाद ये ट्रोफोब्लास्ट पूरा जो होगा ये प्लेसेंटा को भी अराइज कर देगा, ये प्रॉपर अटैचमेंट में हेल्प करेगा इसके साथ, और जो इनर सेल्फ मास होगा वो एम्ब्रियो बना देगा। प्लेसेंटा के साथ एम्ब्रियो अटैच होगा, दिस इज एम्ब्रियो। प्लेसेंटा के साथ एम्ब्रियो अटैच होगा थ्रू अम्बिलाइकल कॉर्ड। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इनर सेल्फ मास के अंदर ही, ये जो हमने इनर सेल्फ मास बताए हैं, इनके अंदर ही कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो कि सभी तरह के ऑर्गन्स को भी छाप द कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू ऑल द ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स को ये बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अभी ये ट्रोफोब्लास्ट इधर हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको बताया था मैंने कि अब इसके इनर सेल मास होता है बेसिकली जो तीन लेयर्स में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उनके बीच आ जाती है मीजोडर्म। ये तीनों लेयर्स होती हैं जो सभी ऑर्गन्स को अराइज करती हैं। क्लियर? तो ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया कल वाले टॉपिक का। अभी मैं आगे आपको करवाने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन से मंथ के बाद कौन सा ऑर्गन फुली डेवलप हो जाता है वो उससे स्टार्ट करेंगे, देन हम पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेट मी रेज दिस। अभी जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया है उस टाइम पे हम इस चीज को बोलते हैं कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, प्रेगनेंसी या इसको जेस्टेशन पीरियड भी बोला जाता है। ये पीरियड होता है नियर अबाउट 9 मंथ्स या इसे 280 डेज का भी कह सकते हैं। अब इन 9 मंथ्स में किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ के एंड पे, फर्स्ट मंथ एंड तक हार्ट साउंड्स कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम बेबी के मदर के हम लोग अब्डोमिन पे स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस रख करके बेबी के हार्ट साउंड सुन सकते हैं। हार्ट साउंड कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो हम क्योंकि हार्ट साउंड सुनना शुरू हो गया तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हार्ट इस टाइम पे क्या है, डेवेलप हो चुका है। और अगर हम बात करें सेकेंड मंथ एंड की, तो इस टाइम पे जो लिम्स होती हैं, लिम्स यानी अपर लिम्स हम आर्म्स को बोलते हैं, लोअर लिम्स हम लेग्स को बोलते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स यानी ये उंगलियां और पैरों के टोर्स वगैरह जो होते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। और एक चीज बताना चाह रही हूँ, प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की है, इन 9 मंथ्स को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, जैसे आपके ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कोई भी 3 मंथ्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं प्रेगनेंसी के, जैसे ट्राइमेस्टर के आपके एग्जाम्स भी होते थे, सेमेस्टर जिनको बोलते हैं हाफ ईयरली होते हैं, ट्राइमेस्टर जो 3-3 महीने पर, तो ट्राइमेस्टर जो 3 मंथ्स का इसको पोर्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। तो एट एंड ऑफ, अगर हम थर्ड मंथ के एंड की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे क्या होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर डेवेलप्ड। एग्जाम्पल, यहाँ पे जो लिम्स होती हैं वो पूरी तरह डेवेलप हो जाती हैं, ये पूरी तरह यहाँ पे डेवेलप हो चुकी होती हैं। इसके अलावा, लिम्स के अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेरिया यानी कि हम कह सकते हैं
एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सटर्नली, जैसे कि मेल्स में पेनिस होता है और फीमेल्स में जैसे हमने मॉन्स प्यूबिस लेबिया मिजोरा माइनोरा वो सब डिस्कस किया था, उनकी बहुत अच्छे से कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं, वो प्यूबर्टी के टाइम पे कंप्लीट होती है, लेकिन वो कुछ हद तक जैसे बेबीज में डेवलप होती है तो वो इस टाइम पे वेल डेवलप जितनी एक बच्चे में होनी चाहिए उतनी इनमें होनी हो जाती है बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ और वी कैन से फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके बाद फिफ्थ मंथ का डाटा है आपके एनसीईआरटी में जो कहते हैं कि फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द बेबी इस टाइम पे होनी शुरू हो जाती है, फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस और हेड जो होता है हेड इज कवर्ड बाय फाइन हेयर, थोड़े थोड़े बाल आ जाते हैं बच्चे के सर के ऊपर। इसके बाद अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की यहाँ पे हमने बात की थी, इसके बाद हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे जहां पे हम बाकी बॉडी के हेयर डेवलप हो जाते हैं, बाकी बॉडी के हेयर डेवलप हो जाते हैं यानी कि फाइन हेयर हम कह सकते हैं कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं और हेयर और कहां पे प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं आई लैशेस, तो आई लैशेस जो होती हैं इस टाइम पे पूरी तरह बन जाती हैं और जो आई लिड्स होती हैं जिसके कारण आई लिड्स जो होती हैं वो अब सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा आंख खुलने वाला जो प्रोसीजर है वो इस टाइम पे हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज नियरली सेकेंड ट्राइमेस्टर या हम कह सकते हैं कि 24 हफ्तों तक ये सारा प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करें तो डायरेक्टली देखेंगे कि 9 मंथ्स की अगर हम बात करें कंप्लीट 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद तक जो फीटस होता है वो फुली डेवलप होता है, फुली डेवलप्ड हो जाता है एंड इज रेडी टू बी डिलीवर्ड आउट ऑफ बॉडी, बॉडी के बाहर डिलीवर मदर की बॉडी के बाहर आने को वो तैयार होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट जो होती है वो उसकी कंप्लीट हो चुकी होती है, फुली डेवलप्ड हो जाता है या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके बाद देखो इनर सेल मास से हमने सारा सिस्टम शुरू किया था कि इनर सेल मास है वो 3 लेयर्स में एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है और उसका हर लेयर अलग अलग टिश्यूज बनाता है। तो किस टाइम पे कौन से टिश्यूज बनते हैं, पूरी प्रेगनेंसी जो होती है वो नियरली 9 मंथ्स की होती है, 280 डेज के अराउंड उसका ड्यूरेशन होता है। अगर हम बात करें पहले मंथ के बाद, ठीक है पहले मंथ के बाद इसकी डिटेल और भी चाहिए इसकी भी और भी हो सकती है लेकिन आपको इतने से क्वेश्चन आएगा बिकॉज एनसीईआरटी में इतना ही डिटेल दिया हुआ है, उसको मैंने बस पॉइंट वाइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट मंथ के एंड पे क्या होता है, हार्ट साउंड सुनना शुरू हो जाता है, कैसे सुनेगा, स्टेथोस्कोप की हेल्प से मदर के अब्डोमेन के ऊपर हम स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस लगा करके ईयर के सबके कान में लगा करके उसको नॉर्मली जैसे हम किसी ह्यूमन का हार्ट रेट चेक करते हैं तो उसके चेस्ट रीजन के ऊपर लगा के देखते हैं चेस्ट पीस को। इस केस में क्योंकि ये वाला जो छोटा सा ह्यूमन है ये अपनी मदर के अंदर है इस टाइम पे, तो मदर के अब्डोमेन के अंदर है तो मदर के अब्डोमेन के ऊपर हम चेस्ट पीस को लगा करके इसकी हार्ट साउंड सुन सकते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी नियरली 60 डेज के बाद हम लोग what is observed is that उसकी limbs यानी कि arms और legs जो होती है upper limbs and lower limbs, upper limbs हम बाजू को बोलते हैं lower limbs legs को बोलते हैं, तो limbs develop हो जाती हैं और digits कुछ हद तक उंगलियां वगैरह develop होनी शुरू हो जाती हैं और toes, ठीक है fingers बोला जाता है हाथों के digits को और toes बोला जाता है पैरों के digits को, तो digits develop हो जाते हैं। थर्ड मंथ तक इनकी कंप्लीट अच्छे से डेवलपमेंट
ट्राइमेस्टर जब होता है कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है ऑलमोस्ट इनकी, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, और भी काफी सारे जो ऑर्गन्स है या ऑर्गन सिस्टम्स है इस टाइम तक काफी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाती है। आगे चल के आप करोगे ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं हम, जब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं इस टाइम पे, फिर हम मदर्स को जो मेडिसिन वगैरह होती हैं काफी अवॉइड करते हैं। अगर मदर कोई गलत तरीके की मेडिसिन इस टाइम पे ले लेती है तो वो ऑर्गेनोजेनेसिस को अफेक्ट करती है। जब वो ऑर्गन्स गलत तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। तो ये आप जैसे कॉलेज में जाओगे तब इनके बारे में पढ़ोगे, तो इनको टेराटोजेनिक इफेक्ट बोला जाता है। तो एक टाइम पे एक दवाई होती थी थैलिडोमाइड, ये बहुत ज्यादा यूजर चल रही थी और मदर्स को बहुत ज्यादा दी जाती थी, प्रेग्नेंट मदर्स को भी दी जाती थी। तो उस टाइम पे देखा गया था कि ये थैलिडोमाइड डिजास्टर हो गया था, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो उस टाइम पे पैदा हुए वो डिफरेंट अबनॉर्मैलिटीज के साथ पैदा हुए, जिनके ऑर्गन सही तरीके से डेवलप नहीं हुए थे। तो उसको थैलिडोमाइड डिजास्टर उस चीज को बोला गया था, और टेराटोजेनिक इफेक्ट या टेराटोजेनिसिटी इसके इफेक्ट को बोला जाता है। ये जस्ट आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मेडिसिन कम से कम, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें ये भी बोला जाता है कि दर्द बुखार के लिए भी जब आप मेडिसिन लेते हो तो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट दे रही है आजकल कि पैरासिटामोल रिलेटिवली सेफर है बाकी मेडिसिन से, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल, ठीक है। तो वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो सारे टेस्ट से या थ्रू स्टडीज जो पता किया गया है कि काफी सारी मेडिसिन दे हैव बीन हार्मफुल, वो ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह को भी अफेक्ट कर सकते हैं, काफी ऑर्गन्स को डेवलप अफेक्ट कर सकती है, और भी कई प्रोसीजर्स को इसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। सिर्फ इनमें नहीं, नॉर्मल ह्यूमंस में भी काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जिसका मिनिमल साइड इफेक्ट होता है गवर्नमेंट उसको थोड़ा आपको रिकमेंड कर देती है कि दिस मेडिसिन इज बेटर देन द अदर्स। तो प्रेगनेंसी में भी हम लोग यूजली जो पैरासिटामोल आजकल गवर्नमेंट पब्लिसाइज कर रही है, तो प्रेगनेंसी में भी हम लोग बताते हैं कि बुखार के लिए वांट टू हैव वैसे अवॉइड करनी चाहिए मेडिसिन, बट इफ यू वांट टू हैव, कोई हो जाता है कि फीवर वगैरह हो गया है वो भी ज्यादा डेवलप नहीं होने देना होता है, तो अगर हो गया है तो देन द मदर हैज टू टेक ओनली पैरासिटामोल। वैसे डॉक्टर की सलाह से लेती है जो भी मेडिसिन उनको लेना होता है, बट तब भी डॉक्टर्स भी रिकमेंड पैरासिटामोल करते हैं। जो बाकी मेडिसिन हम लोग रेफर कर देते हैं वो प्रेगनेंसी के केस में तो स्ट्रिक्ट मना की जाती है, बहुत केयरफुली उनको जो मेडिसिन होती है वो केयरफुली एडमिनिस्टर करनी पड़ती है। तो थर्ड मंथ के एंड तक ज्यादा ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है मेनली, फिर फिफ्थ मंथ के एंड तक उसकी, क्योंकि आपके लिम्स वगैरह बन चुकी थी तो फिफ्थ मंथ के एंड तक पहली मूवमेंट्स भी करना शुरू कर देता है। और सिक्स मंथ यानी कि दो ट्राइमेस्टर हो चुके हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक जो है क्या हो जाता है, जो बाकी यहां तक क्या था फिफ्थ मंथ के एंड तक फर्स्ट मूवमेंट्स और सिर पे बाल आने शुरू हो गए थे, ठीक है, और बाकी बॉडी के जो हेयर है वो उससे एक मंथ बाद आने शुरू हो जाएंगे, और आई एशेज ये जो हमारी पलकें होती हैं ये भी अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। अब जब पलकें अच्छे से डेवलप हो जाएंगी तो आंखें खुलनी भी शुरू हो जाएंगी थोड़ी बहुत, आईलिड्स मतलब कि अपर आईलिड और लोअर आईलिड, लिड मतलब जो आंखों को कवर कर रहे हैं ना, ये थोड़े सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और इसके बाद ये फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर की बात है, उसके बाद नाइन मंथ्स में बेबी फुली जो है डेवलप हो जाता है। वैसे यूजली नॉर्मल स्टेज में 9 मंथ्स के बाद ही डिलीवरी होती है। आजकल कुछ डाइट पैटर्न वगैरह ऐसे हैं कि ज्यादातर नहीं कह सकते, काफी डिलीवरीज ऐसे हो रही हैं जो 7th मंथ के अराउंड हो जाती हैं, वो प्री मेच्योर बेबीज। अगर बेबी 9th मंथ के इंटरवल से पहले बर्थ हो जाता है तो प्री मेच्योर बेबी उसको बोला जाता है। पहले ऐसे बच्चे को इंक्यूबेट करने के लिए अच्छे कंडीशंस उतने नहीं प्रॉपरली होते थे, लेकिन नाउडेज हॉस्पिटल्स में दे हैव गुड कंडीशंस जहां पे ऐसे बेबी को भी अच्छे से रेज किया जा सकता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट। आई हैव रिवाइज्ड आल्सो दिस थिंग, जस्ट नोटेड डाउन, देन आई विल स्टार्ट विद। बेबी जब फुली डेवलप हो चुका है तो ये डिलीवर्ड आउट होने के लिए रेडी है, तो डिलीवर्ड आउट होने वाला प्रोसीजर जो है पार्चुरेशन या डिलीवरी, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो लेट्स टॉक अबाउट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन
इज नथिंग बट डिलीवरी ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस आउट ऑफ द मदर्स बॉडी. तो मदर की यूट्रस में जब ये बन जाता है, नॉर्मली जो सर्विक्स और वजाइना होता है ये पोर्शन डायलेट होता है इस टाइम पे. तो इस पोर्शन के डायलेशन से इस पाथवे के थ्रू बेबी डिलीवर आउट होता है, इसीलिए इस पोर्शन को बर्थ कैनाल, इन दोनों को मिला के जो कैनाल सी बनती है, रास्ता बनता है, उसको बर्थ कैनाल बोला जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू बेबी जो है बाहर डिलीवर आउट होता है मदर की बॉडी से. पार्चुरेशन या डिलीवरी इस प्रोसीजर को बोला जाता है. अब डिलीवरी का या पार्चुरेशन का प्रोसीजर सबसे पहले शुरू कहां से होता है? जब बेबी फुली डेवेलप हो जाता है, जब वो पूरी तरह डेवेलप हो गया, तब वो मदर का जो यूट्रस है उसको एक तरीके से पुश करेगा. मदर का यूट्रस है उसको वो पुश करेगा. मदर के यूट्रस के अंदर क्या है? मस्कुलर टिश्यू भी तो है, तो वो मस्कुलर टिश्यू वापस से रिलैक्स होगा और ये जो कंट्रैक्ट उसका हुआ रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन जो फीटस से स्टार्ट हुआ, तो इसको बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. जो बच्चे से शुरू हुआ, फीटस से शुरू हुआ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, उसने इजेक्ट होने के लिए, बाहर आने के लिए जो रिफ्लेक्स क्रिएट किया उसको बोल रहे हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तो फुली डेवलप्ड बेबी से ही स्टार्ट होता है. फुली डेवलप्ड फीटस जो होता है वो इट पुशेस अराउंड द यूट्रस, तो वो यूट्रस डायलेट होगा, जिसकी वजह से यूट्रस की टेंडेंसी मस्कुलैरिटी की वजह से वापस कंट्रैक्ट होनी थी. तो वो जो रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन वहां पे हुआ, पुशेस द यूट्राइन वॉल को उसने पुश किया, तो यहां पे अभी ये क्या हुआ, जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो गया. अब ये जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल, ठीक है, ये जो पोर्शन हुआ, दिस विल स्टिमुलेट द मेटर्नल पिट्यूटरी. तो आफ्टर दिस मेटर्नल पिट्यूटरी, मेटर्नल यानी मदर की, ठीक है, मदर रिलेटेड किसी भी पोर्शन को मेटर्नल बोल सकते हैं, फादर रिलेटेड कुछ भी उसको पेटर्नल बोला जाता है. जैसे कि हमारे जो मामा होते हैं ना उसको भी हम पेटर्नल अंकल बोलते हैं, और जो चाचा होते हैं उनको पेटर्नल अंकल बोलते हैं, क्योंकि वो फादर से रिलेटेड होते हैं ना. तो अभी हुआ क्या, मेटर्नल मतलब मदर रिलेटेड. तो अभी जो जैसे उसने पुश किया, तो मेटर्नल पिट्यूटरी यानी मदर की पिट्यूटरी, मेटर्नल पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो गई. मेटर्नल पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो गई तो मेटर्नल पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया. तो ऑक्सीटोसिन ने आगे क्या करवाया, ऑक्सीटोसिन ने देखो यूट्रस कंट्रैक्ट रिलैक्स हुआ उसकी वजह से यहां पे मेटर्नल पिट्यूटरी को गया. मेटर्नल पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन का एक्शन है और यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाना, जितनी और यूट्राइन कंट्रैक्शन होंगी वो और ऑक्सीटोसिन रिलीज स्टिमुलेट, वो फिर से यूट्राइन कंट्रैक्शन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी, पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी और कंट्रैक्शन, तो कंट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी. जैसे जैसे कंट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाएगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाएगा कंट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी. दिस साइकिल विल कीप ऑन गोइंग अंटिल फीटस इज इजेक्टेड आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, यानी कि इट इज डिलीवर्ड आउट ऑफ द मदर्स बॉडी या पार्चुरेट हो गया फुली डेवेलप्ड फीटस. तो यहां पे हम लिख सकते हैं फुली डेवेलप्ड फीटस इज इजेक्टेड आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, और वी कैन से डिलीवर्ड आउट ऑफ मदर्स बॉडी. प्रोसीजर क्या हो गया, पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया. क्या कंप्लीट हो गया, पार्चुरेशन का प्रोसीजर जो है
वो कंप्लीट हो गया। अब पार्चुलेशन के प्रोसीजर के बाद जब बेबी फुली डेवलप्ड बेबी बॉडी के बाहर आ चुका है उस टाइम पे कौन सा प्रोसीजर स्टार्ट होगा? लैक्टेशन स्टार्ट होगा। तो ये टॉपिक लास्ट में दिया हुआ आपके पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन के नाम पे दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ जो बुक का है दैट इज अबाउट लैक्टेशन। लैक्टेशन लैक्टे वर्ड फॉर मिल्क, तो ये मिल्क के लिए है। अभी मदर की बॉडी में पहले हमने देखा प्रोलैक्टिन था, प्रोलैक्टिन जो प्रोलैक्टिन हमने देखा था कि प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है वो प्रोलैक्टिन किसके लिए था? प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करवा रहा था, एक तरीके से मिल्क सिंथेसिस उसने शुरू करवा रहा था, ठीक है। तो लैक्टेशन कहां पे मिल्क सीक्रेशन होता है? मैमरी ग्लैंड के अंदर। कहां होता है? मैमरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर होता है। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये लैक्टेशन शुरू करेंगे तो इसमें भी एक हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन है? यही वाला हार्मोन। देखो ये हार्मोन ने जिसने यूट्राइन कंट्रैक्शन कराई ऑक्सीटोसिन, इसने क्या किया? कंट्रैक्ट करवाया। तो सिमिलरली ये मेमोरी ग्लैंड को भी कंट्रैक्ट करके उसमें से मिल्क भी इजेक्ट करवाएगा। लैक्टेशन में क्या होगा? ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क रिलीज या सिक्रीट जो है वो ये कराता है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क रिलीज, तो वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना कि पूछा क्या जा रहा है। मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करा रहा है और जो मिल्क रिलीज हो रहा है वो ऑक्सीटोसिन करा रहा है, क्योंकि कंट्रैक्शन मेमोरी ग्लैंड की ये करवाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कॉजेस कंट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और उसमें जो प्रोलैक्टिन की वजह से बना हुआ मिल्क है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, जिसको बेबी सकल कर लेगा, जैसे हमने मेमोरी ग्लैंड्स में देखा था फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। अब इन द स्टार्टिंग फ्यू डेज जो पहला मिल्क आता है, फर्स्ट मिल्क भी जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में ले मैन लैंग्वेज में फर्स्ट मिल्क बोला जाता है, जो पहला मिल्क मदर की बॉडी से आता है मदर के मैमरी ग्लैंड से आता है वो येलोइश होता है, थोड़ा ज्यादा फैटी होता है। पहले माना जाता था कि ये येलोइश होता है यानी ये गंदा होता है, तो इसको क्या करते थे पहले के लेडीज, दे यूज टू इसको निकाल करके फेंक देते थे कि ये तो बुरा हो सकता है जहरीला हो सकता है, बट नहीं, इट इज नेचर्स गिफ्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। इसके अंदर बहुत ज्यादा येलोश जो होता है दैट इज बिकॉज इसके अंदर ये अलग से न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज्यादा होता है और इसमें भी कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं। बेसिकली प्लेसेंटा के थ्रू IgG मिली थी फिटस को, यहाँ पे मिल्क के थ्रू IgA मिलेगी पैसिव, तो ये भी पैसिव इम्यूनिटी। एक बच्चे को पैदा होते ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता, अभी उसकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना रही है लेकिन मदर की बॉडी उसको ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। खुद की बॉडी जब बनाती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जब बनी बनाई एंटीबॉडीज मिले उसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। तो एंटीबॉडीज बनी बनाई IgA एंटीबॉडीज जो होती है वो मदर के मिल्क से मिल जाती है और ये जो पहला मिल्क होता है फर्स्ट मिल्क उसके थ्रू मिलती है। और फर्स्ट मिल्क को क्या बोला जाता है, ये टर्म आपको लर्न करना पड़ेगा, कोलोस्ट्रम बोला जाता है फर्स्ट मिल्क को, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है ये थोड़ा येलोइश होता है डार्क और फैटी होता है। इसके अंदर होता क्या कुछ है, इसके अंदर क्या कुछ होता है, इसके अंदर मिल्क प्रोटीन्स होंगे। मिल्क प्रोटीन्स बेसिकली मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? सेजीन होगा, ठीक है। थोड़ा फैट्स होगा, फैटी है तो थोड़े ऑयल ड्रॉपलेट सॉर्ट ऑफ थिंग फैट होगा इसमें, यानी कि हम कह सकते हैं ऑयल ड्रॉपलेट से बेटर रहेगा फैट क्या नाम कि फैट होगा इसके अंदर। प्रोटीन्स फैट्स और विटामिन ए भी इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है, ठीक है। विटामिन होते हैं मेनली विटामिन ए होता है और वो इसको थोड़ा येलोइश कलर भी देता है। एंड फर्स्ट मिल्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फीटस।
अगर ये मदर मिल्क बेबी को नहीं दिया जाता तो बेबी की इम्यूनिटी काफी वीक हो सकती है और उसकी डेवलपमेंट में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अभी वो वीकर है न्यू इन दिस वर्ल्ड, तो उसको काफी सारी बीमारी कैच कर सकती है। तो उससे बचाने के लिए कोलोस्ट्रम जो कि फर्स्ट मिल्क होता है ये उसको देना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। एंड ड्यूरिंग फर्स्ट सिक्स मंथ्स, ड्यूरिंग फर्स्ट टू सिक्स मंथ जो होता है मदर्स मिल्क शुड ओनली बी द डाइट, जो मदर्स मिल्क होता है शुड बी द सोल डाइट, यानी कि शुड बी द ओनली डाइट, इसके अलावा यानी कि बच्चे को शुड ओनली बी द डाइट फॉर द इन्फेंट, यानी कि बेबी के लिए जो इन्फेंट होता है इस टाइम पे उसको इसके अलावा और कुछ भी दिया जाना नहीं चाहिए, इवन कि क्योंकि बाहर की कोई भी चीज उतनी ज्यादा सेफ नहीं होगी अभी उसके लिए। पहले सिक्स मंथ्स में उसको मदर की मिल्क से ही कंप्लीट नरिशमेंट मिलता रहेगा, पानी का रिक्वायरमेंट भी उसका मदर की मिल्क से ही पूरा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सिक्स मंथ्स तक डॉक्टर्स रिकमेंड कि फर्स्ट सिक्स मंथ्स तक उसको कुछ भी और डाइट में दिया जाना नहीं चाहिए, इट इज अ यूजुअल रिकमेंडेशन। बाकी कुछ केस टू केस वेरी भी हो सकता है, काफी मदर्स आजकल मिल्क सिक्रीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है काफी लेडीज को, बिकॉज डाइटरी पैटर्न्स बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। प्रेगनेंसी पैटर्न्स में भी जैसे मैंने आपको बताया 9 मंथ्स का कंप्लीट कई केसेस में हो ही नहीं पाता, 7 मंथ्स पे हो रही है डिलीवरीज, देन उसके बाद मिल्क सिक्रीशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आर्टिफिशियल मिल्क कुछ सर्टन ब्रांड्स होते हैं जो बच्चे के लिए सेफ माने जाते हैं, तो वो सब बच्चे को दिया जाता है एक तरीके से सप्लीमेंट्री टू दिस थिंग मदर्स मिल्क, लेकिन नथिंग एक्चुअली कैन रिप्लेस अ मदर्स मिल्क इफ द मदर इज हेल्दी एंड कैन फीड द चाइल्ड, सो द फीटस शुड बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मदर्स मिल्क। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अबाउट द डेवलपमेंट, अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि फर्स्ट मंथ के बाद हार्ट डेवलप हो जाता है, सेकेंड मंथ के बाद उसकी लिम्स एंड डिजिट्स, थर्ड ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन्स होती हैं लिम्स डिजिट्स, ये सब कुछ अच्छे से डेवलप हो जाता है। देन उसके बॉडी देन हेयर ऑन द हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट टिल फिफ्थ मंथ, देन सिक्स मंथ तक हमने देखा कि बाकी फाइन बॉडी हेयर और उसकी मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं, एंड 9 मंथ्स के एंड तक हमने ऑब्जर्व किया कि बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, 9 मंथ्स के बाद वो पार्चुरेशन यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए वो रेडी होता है डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी। अब तो फीटस पूरी तरह डेवलप हो चुका है तो यूट्रस के वॉल को वो पुश करता है, यूट्राइन बहुत वापस से रिलैक्स, ये पुशिंग कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो साइकिल होता है ये मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन इन कंट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, ये बड़ी हुई कंट्रैक्शंस और ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाती हैं, बड़ी हुई कंट्रैक्शंस फिर से पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है मदर की पिट्यूटरी को, और फिर से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन और तेजी से कंट्रैक्शन कराएगा, और तेज कंट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन की कंट्रैक्शंस बढ़ती जाएंगी, ये साइकिल चलता जाएगा और कंट्रैक्शंस बढ़ती जाएंगी जब तक कि बेबी जो फीटस जो है वो मदर की बॉडी से कंप्लीट एक्सपेल आउट नहीं हो जाता है। सर्विक्स और वजाइना जो पोर्शन है जो यूट्रस के बिलो पाए जाते हैं वो दोनों मिलके बर्थ के नाप बनाते हैं, जहां से ये बेबी जो होता है वो डिलीवर आउट हो जाता है। आफ्टर फीटस इज डेवलप्ड, फीटस के डेवलप होने के बाद जो प्लेसेंटा होती है बनी हुई वो भी शेड आउट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा जो होती है वो भी शेड आउट हो जाती है। देन उसके बाद जो फीटस जो कंप्लीटली डेवलप्ड है वो बाहर जब आ जाता है देन लैक्टेशन उसको मदर के मिल्क पे फीड किया जाता है। लैक्टेशन भी जो ऑक्सीटोसिन जिस ऑक्सीटोसिन ने कंट्रैक्शन करके यूट्रस की डिलीवरी करवाई है उसी कंट्रैक्शन से वो फिर से कंट्रैक्शन करवाएगा, लेकिन इस बार मैमरी ग्लैंड की कंट्रैक्शन करवाएगा और प्रोलैक्टिन ने जो ऑलरेडी उसमें मिल्क बना दिया है उसको सिक्रीट करवाएगा रिलीज करवाएगा, ठीक है जी। तो उस फर्स्ट मिल्क जो मदर अ फ्यू डे इनिशियल डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस करती है मदर की बॉडी उसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है, एंड दैट इज वेरी वेरी हेल्दी। उसके अंदर जो मेन दो चीजें जिन पे क्वेश्चन आता है विटामिन ए, दोनों ए ही है, मेन क्वेश्चन IgA पे आता है और विटामिन ए पे भी आ जाता है, दो येलोइश होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं,
काफी मिनरल्स मिनरल कंटेंट हाई होता है और प्रोटीन्स इसमें अच्छे होते हैं, मेनली मिल्क है तो मिल्क प्रोटीन यानी कि सेजिन का अच्छा अमाउंट इसमें होता है। आपको जो मेन क्वेश्चन आता है IGA और ये न्यूट्रिशनल कंटेंट में बहुत ज्यादा हाई होता है। IGA का मेंशन नहीं है, जैसे मैंने प्लेसेंटा रिलीज प्लेसेंटा पास करता है IGG और मदर की मिल्क से मिलता है IGA। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि NCERT में नहीं है बट यू हैव टू नोट इट डाउन कि थ्रू प्लेसेंटा बेबी को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, IgG मिल जाती है एंटीबॉडीज और मदर की मिल्क से मिलती है IgA। देन पहले 6 महीने तक रिकमेंड किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क पे रहे बेबी। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एनीथिंग वी हेल्प मिस्टर और समथिंग? नो। सो दिस इज ऑल अबाउट, योर चैप्टर इज फिनिश्ड and you must keep on studying and solve the questions on whatever source you have for the modules and solve the questions on the modules and all of this, any study material modules or any study material you have, whatever, wherever you want to solve of the questions, keep on solving the questions. Human reproduction is complete. Next we will start on with the chapter reproductive health. All the best class.